गुजरात के सूरत सेशन कोर्ट ने मानहानि केस में सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। इस सुनवाई में राहुल को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने की जरूरत नहीं होगी। कोर्ट ने फिलहाल राहुल गांधी को 2 साल की सजा को उनकी अपील पर फैसला होने तक निलंबित कर दिया है। राहुल गांधी की ओर से 2 साल की सजा के खिलाफ लगाई गई अर्जी पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने मामले में याचिकाकर्ता भाजपा विधायक पुर्णेश मोदी को भी नोटिस जारी कर 10 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है। राहुल की ओर से 2 अर्जियां लगाई गई थी, पहली नियमित जमानत और दूसरी सजा के खिलाफ अपील की। गौरतलब है कि मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी के मामले में सूरत की एक कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाते हुए 15,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया था। 24 मार्च को राहुल गांधी की लोकसभा से अयोग्य करार देते हुए उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। ऐसे में राहुल गांधी की ओर से कहा गया है कि जमानत मिलने के बाद वो मित्रकाल के विरोध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे और इस संघर्ष में सत्य ही उनका हथियार होगा। इस बीच राहुल गांधी की संसद से अयोग्यता जारी रहेगी। उत्तरोत्तर कोर्ट से राहुल की सजा को रद्द नहीं करने तक वे 8 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। JTN न्यूज़ ब्यूरो।